खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, जहां विजेंद्र पुरोहित ने बताया कि पिछले 78 सालों से विदिशा शहर के बांसकुली में मां काली की झांकी स्थापित की जा रही है। विदिशा में मां काली की पहली झांकी बांसकुली में ही स्थापित की गई थी। वे खुद पिछले 50 सालों से महाकाली की पूजा करते आ रहे हैं और उनकी विशेष आराधना करते हैं। साथ ही इस दौरान नितिन सिरवैया ने बताया कि समिति द्वारा हर साल सनातन धर्म से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरी महिला मंडल इसमें अपना पूर्ण सहयोग देती है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। विगत 78 वर्ष से ये झांकी जो है और विदिशा में पहली नंबर की दुर्गा जी की झांकी है, महाकाली की झांकी है। और मुझे 50 साल पूरे हो गए पूजन करते करते, क्योंकि इनकी विशेष आराधना रहती है महाकाली की। भैया, मैं संरक्षक हूँ महाकाली उत्सव समिति बांसकुली विदिशा का, और 9 दिन हमारे माता महाकाली के दरबार में कार्यक्रम चलते रहते हैं। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो, मटकी फोड़ हो, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो पारंपरिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग विदिशा शहर के लोग मनाते हैं। और प्रसाद वितरण का भव्य कार्यक्रम होता है और माता महाकाली को हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। मेरा नाम है अनामिका पचौरी, श्रीमती अभयराज अनामिका पचौरी, और मैं बांसकुली काली जी की जहाँ की प्रतिमा लगती है वहाँ की इस वर्ष की मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे बांसकुली में काली जी की प्रतिमा पिछले 78 वर्षों से चली आ रही है, और जब विदिशा में कोई भी कारीगर नहीं था तो यहाँ पे श्री कुंदन लाल जी सोनी जी थे, जो स्वयं अपने हाथों से ये काली जी की प्रतिमा बनाते थे। और तब से ये परंपरा शुरू हुई है और पूरे विदिशा में देवी जी स्थापित होने लग गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज यहाँ भी मेहंदी प्रतियोगिता है, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हम यहाँ पर काफ़ी करते रहते हैं। जैसे मटकी फोड़ होता है, गरबा डांस होगा, मेहंदी, रंगोली आदि प्रतियोगिता हम लोग यहाँ।